नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा साल कल यानी 30 मई को पूरा होने जा रहा है। ऐसे में बहस चल रही है कि भाजपा ने क्या खोया और क्या पाया। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में कई चुनौतियों से जूझ रही है। इसमें मुख्य रूप से कोरोना प्रबंधन और वैक्सीन है। कोरोना प्रबंधन और वैक्सीन की मांग केंद्र सरकार के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये चुनौती इसलिए गंभीर है क्योंकि अभी दूसरी लहर चल रही है। तीसरी लहर में क्या हालात होंगे ये तो समय ही बताएगा। सरकार पर राहुल गांधी से लेकर पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वह कोरोना से निपटने में नाकाम रही है। आप देख ही रहे होंगे कि आए दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल टीवी पर किस तरह मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने तो शायद केंद्र से अलग राह ही पकड़ ली है। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार का झगड़ा तो जग जाहिर है। पूरे देश में जहां जहां विपक्षी सरकारें हैं सभी की शिकायत है कि उन्हें ऑक्सीजन समेत अन्य दवाओं की आपूर्ति ठीक से नहीं हुई, साथ ही ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वैक्सीन की मांग कर रही है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं भाजपा के राजनीतिक ग्राफ से। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद अब तक के देश में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को केवल 4 राज्यों में जीत मिली है। वहीं दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी असम में सत्ता बचा पाई और पुडुचेरी में जीत की ओर कदम बढ़ाया है। यहां भाजपा के सहयोग से सरकार बनी है। पीएम मोदी के केंद्र की सत्ता में 2014 के आने के बाद एक एक कर राज्य की सियासी जंग बीजेपी फतेह करने में जुट गई। बीजेपी का सियासी उफान मार्च 2018 तक था, जब देश के 21 राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार थी। इस तरह से देश की 71% आबादी और 80% क्षेत्र पर बीजेपी या उसके सहयोगी दल काबिज थे। इसकी तुलना अक्सर इंदिरा गांधी के दौर से की जाती है, लेकिन अब संख्या घटकर 18 हो गई है। बीजेपी इन 1.5 दर्जन राज्यों में अपने दम पर सरकार चला रही है या सहयोगी के तौर पर है। 2019 का साल चुनावी साल था। देश के आम चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में चुनाव हुए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। इसके बावजूद राज्यों के चुनाव में उसे सिर्फ अरुणाचल में ही सत्ता मिली। 2019 के आखिर में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुआ तो बीजेपी को बड़े झटके लगे। महाराष्ट्र में शिवसेना अलग हो गई। चुनाव नतीजों के कई दिनों बाद तक राजनीतिक ड्रामा चला। बीजेपी की सरकार भी बनी लेकिन 2 दिन में गिर गई। अंततः शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी ने सरकार बना ली। वहीं हरियाणा में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, जिसके चलते दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। झारखंड में बीजेपी की करारी हार हुई और सत्ता गंवानी पड़ गई। इसके बाद साल 2018 में कर्नाटक की सत्ता बीजेपी ने गंवा दी थी, लेकिन एक साल के बाद बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए कांग्रेस और जेडीएस से सत्ता छीनने में कामयाब रही। 2020 की शुरुआत ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव के साथ हुई। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ जारी आंदोलन के साए में दिल्ली में चुनाव हुए। बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल को मात नहीं दे सकी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। बीजेपी ने 2018 में मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता गंवा दी थी। यहां भी ऑपरेशन लोटस के जरिए 15 महीने के बाद शिवराज सिंह चौहान की वापसी हुई। हालांकि बीजेपी की सरकार बनवाने में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की अहम भूमिका रही। इसके अलावा नवंबर 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। यहां एनडीए सत्ता बचाने में सफल रहा। बिहार में बीजेपी को 2015 से ज्यादा सीटें मिली, जबकि जेडीयू को कम सीटें मिली। इसके बावजूद बीजेपी ने सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार को सौंप दी। इस साल कोरोना संकट के बीच देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल थे। बीजेपी ने इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा ताकत पश्चिम बंगाल में लगाई। इसके बावजूद टीएमसी को मात देने में विफल रही। यहां ममता बनर्जी ने फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना कब्जा बरकरार रखा। ये बात अलग है कि बीजेपी का सियासी ग्राफ बंगाल में बढ़ गया।
पार्टी 3 सीटों से बढ़कर 74 पर पहुंच गई। वहीं असम में भाजपा अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही और पुडुचेरी में सहयोगी दल के तौर पर सरकार में शामिल हुई। इन दिनों टूलकिट मामले और किसान आंदोलन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। टूलकिट मामले में भाजपा ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि कोरोना समेत अन्य मुद्दों को लेकर ये मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि लाल किले की घटना मोदी सरकार को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। अगले साल यानी 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने वाले हैं। वैसे तो सभी 5 राज्य भाजपा के लिए अहम हैं। इन सबके बावजूद उत्तर प्रदेश में भाजपा की दोबारा वापसी काफी चुनौतीपूर्ण होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि योगी सरकार को हटाने के लिए पश्चिम बंगाल की तर्ज पर विपक्षी दलों के एकजुट होने की संभावना है। हालांकि जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है उससे लगता यही है कि यूपी में पुनः भाजपा की सरकार ही बनेगी। हालांकि वैक्सीन की कमी और कोरोना के भयावह हालात को लेकर विपक्ष पूरी तरह मोदी और योगी सरकार पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव योगी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन गुंडागर्दी वाली उनकी सरकार की पुरानी यादें लोगों के दिमाग से नहीं निकल पा रही हैं। यही वजह है कि एक बार फिर यूपी भाजपा की हो सकती है। इसके लिए बीजेपी अभी से ही एड़ी चोटी का जोर लगाने लगी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की शीर्ष लीडरशिप इससे संभावित नुकसान को लेकर अलर्ट है। यही वजह है कि डैमेज कंट्रोल के लिए मिशन मोड पर काम करने की रणनीति बनाई गई है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बड़ी बैठक की। इस बैठक के बाद चर्चाएं थीं कि संगठन और सरकार में बड़ा परिवर्तन होगा। ये बात अलग है कि होसबोले ने दोनों ही जगहों में परिवर्तन से साफ इनकार कर दिया। अब ये तो चुनावी ऊंट ही बताएगा कि कोरोना से निपटने की चुनौतियों के बीच 2022 में वो किस करवट बैठेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।